कि केजरीवाल को अपना नाम चेंज करके सुपरमैन सीएम रख देना चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी तो लोग छींक भी नहीं मारते होंगे जितना जल्दी दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर चेक करके पर्ची फाड़ दे रहे हैं और इलाज भी हो जा रहा है, लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। आखिर ये किस टाइप के डॉक्टर हैं ऐसे फ्री बिजली और पानी, वो भी गंदे पानी के लिए? दिल्ली की जनता इस हद तक गिर गई है कि वो ऐसे धूर्त आदमी को अपनी जिंदगी का सौदा कर दे रही है। ऐसी क्या नौबत आ गई है, एक दिन में हजारों रुपए आप उड़ा देते हैं खाने पीने में, धर्म के साथ आपने समझौता कर लिया, जान के संग भी समझौता कर लेंगे, अपनी छोकरी तो आपके अंदर फिक्र होगा, थोड़ी सी समझ होगी कि दिल्ली सरकार के ऊपर एक बार फिर से नया आरोप लगे हैं कि भैया उन्होंने कर दिया है घोटाला। इस बार घोटाला किस चीज का है, तो इस बार घोटाला बहुत सीरियस है, उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पर्ची फट गया है, क्योंकि उन्होंने भी बिना सोचे समझे दुनिया भर का पर्ची फाड़ फाड़ के अपनी जेबें भर ली। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी कट्टर ईमानदारी का परिचय किस तरह दिया दिल्ली की जनता को और पूरी दुनिया को। ढिंढोरा पीटने वाले अरविंद केजरीवाल इस बार क्या नया कारनामा किए हैं, इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर मिश्रा व्यू। पूरी दुनिया में घूम घूम के अपने मोहल्ला क्लिनिक का ढिंढोरा पीटने वाले केजरीवाल जी इस समय बड़ी मुश्किलों में फंसे हैं। एलजी ने ये साफ कह दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर जांच बैठाया जाएगा सीबीआई का, जिससे अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इन्हें धक्का हर समय लग रहा है, पहले शराब घोटाले के मामले में इनके ऊपर धक्का लगा, इनके नेताओं के जेल जाने पर इनको धक्का लगा, और अब नया धक्का इनको लगा है इनके मोहल्ला क्लिनिक पे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली के ये दम भरते थे कि मेरा मोहल्ला क्लिनिक तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इसके तर्ज पे ही सब लोग काम कर रहे हैं, मोदी जी जल भून जाते हैं मेरे मोहल्ला क्लिनिक को देख के। हाँ भाई, जल भून तो जेबे करेंगे, आप इतना घोटाला करेंगे, पैसा कमाएंगे, एक ही नंबर से 200-300 लोगों को जांच कराएंगे, आधा मिनट में डॉक्टर जांच कर दे रहे हैं, तुरंत पर्ची कट जा रहा है, दवाइयां लिख जा रही हैं, जांच भी हो जा रही है, रिपोर्ट भी आ जा रही है, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि बुलेट ट्रेन भी शर्मा जाएगा, मुझसे ज़्यादा स्पीड तो केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में है। कट्टर ईमानदारी का नारा भरने वाले केजरीवाल को अपना नाम चेंज करके सुपरमैन सीएम रख देना चाहिए, क्योंकि वो तो सुपरमैन की गति से पूरे टाइम को ही चेंज कर दे रहे हैं। इतना जल्दी तो लोग छींक भी नहीं मारते होंगे जितना जल्दी दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर चेक करके पर्ची फाड़ दे रहे हैं और इलाज भी हो जा रहा है, लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। आखिर ये किस टाइप के डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टरों की जरूरत तो पूरे देश में है कि ये पर सेकंड के हिसाब से ये लोग मरीज को देख रहे हैं, थोक के भाव में मरीज दिखाया जा रहा है, 4 घंटे की क्लिनिक खुल रही है और वहाँ पर हजारों की तादाद में चेकअप हो जा रहे हैं। भैया ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के राज्य में। बिजली पानी तक तो ठीक था, लेकिन अब इनका जो मेन मुद्दा है मोहल्ला क्लिनिक का, उसमें भी इन्होंने सेंधमारी कर दी है। हर तरफ से पैसा कमाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस समय लगे हुए हैं, शराब से पैसा कमाना है, रोड से पैसा कमाना है, मेट्रो से पैसा कमाना है, मेट्रो में शराब की दुकानें खोलनी है, पूरे दिल्ली को पियक्कड़ बना देना है, अब पूरे दिल्ली को ये रोगी भी बना के मानेंगे। डे नाइट स्कूल का कॉन्सेप्ट तो आपने सुन ही लिया होगा कि दिन में आधा बच्चे पढ़ रहे हैं, रात में आधा बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन के समय कुछ और बच्चे पढ़ रहे हैं, रात के समय कुछ और बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑड एंड इवन के तर्ज पे चलने वाली दिल्ली सरकार तो पहले पढ़ाई का तो छिया लिया कर ही चुकी थी, अब उनका मुद्दा है कि अब क्या बचा, क्या बचा, कैसे कहां से पैसा खींचा जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, किसी का नज़र तो पड़ नहीं रहा है, अपने वर्ल्ड फेमस मोहल्ला क्लिनिक से ही पैसा लूटा जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया भैया कि वहाँ पर लगातार इन्होंने पर्ची बनवाई और फटाफट पैसा कमाया। आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, ये तो फिल्म से भी ज़्यादा ड्रामेटिक ये मुख्यमंत्री जी का काम रहता है। इनको ड्रामा करने की इतनी आदत हो गई है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या इनके जो नेता हैं उन लोगों को, ये लोग एक्टिंग की क्लासेस शुरू करके वहाँ पर भी घोटाला शुरू कर दे तो कोई नई बात नहीं होगी। ये तो उनके लिए रोज की बात है कि कुछ ना कुछ नाटक उनका लगा रहता है। अब लगातार दिल्ली की जनता को इतने सालों से बेवकूफ़ बनाते बनाते अब वो इस हद तक आ गए हैं कि अब वो लगातार
दवाइयों का घोटाला किए जा रहे हैं, लोगों के संग जिंदगी के संग खेलते जा रहे हैं। अब मैं उन मुसलमान भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूं कि आप मोहल्ला क्लिनिक में जाते तो हैं, दवाई खाते तो हैं और निपट जाते हैं, तो इसके लिए क्या अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आप धरना प्रदर्शन करेंगे जिस तरीके से आप शाहीन बाग के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे? लेकिन आप उस समय नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सर्वे सर्वा केजरीवाल जी भले आप लोग की जान ले लें, लेकिन आप लोग तो कुछ करने वाले हैं नहीं उनके खिलाफ। चलिए अब जाँच पे आते हैं। तो भैया सबसे बड़ी बात है कि 4 घंटे खुलने वाला मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पर डॉक्टर आते हैं जाते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनके कहने के हिसाब से बायोमेट्रिक हो रहा है, फिंगरप्रिंट किसका लग रहा है, क्या एक डॉक्टर के नाम पे 50 लोग फिंगरप्रिंट लगा के अपना अपना एंट्री कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है इस समय केजरीवाल जी के राज्य में। क्योंकि जब आधे सेकेंड के अंदर एक मरीज की जाँच हो जा रही है, डॉक्टर उसे निगाह भर देख लेने से उसके अंदर का पूरा एक्सरे डॉक्टर के आँखों में बस जा रहा है, और वो डॉक्टर तुरंत पर्ची काट दे रहा है, तुरंत उसके लिए दवाइयाँ आ जा रही हैं, तुरंत उसका जांच पड़ताल होने लग रहा है, तो भैया कुछ भी संभव है इस केजरीवाल के राज में। सबसे बड़ा घोटाला तो इन्होंने तभी शुरू कर दिया था जब जांच करने के लिए किसी अलग एजेंसियों को इन्होंने ठेका दे दिया, और तब पता चला कि भैया ये वहाँ पर भी घपलाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक ही नंबर से तकरीबन 200-300 लोगों के नाम पर्ची फट रही है, फिर उसी पर्ची के नाम पे जांच की रिपोर्ट उसी नंबर पे भेजी जा रही है। जांच पर्चियों में नंबर का घोटाला इन्होंने सामने लाया, जब किसी किसी जांच पर्ची में तो फ़ोन नंबर ही नहीं रह रहा है, किसी में 12345 फ़ोन नंबर रह रहा है, किसी में 9999 फ़ोन नंबर रह रहा है, तो किसी में कुछ रह रहा है, किसी में कुछ रह रहा है, हजारों लाखों की संख्या में इन्होंने इस हद तक घोटाला कर दिया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि दवाई खाने के बाद वो जिंदा बचेंगे या सीधे सीधे मर जाएंगे। ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने ऐसा क्या कर दिया है, इसे किस चीज़ की भूख लगी है पैसे की कि ये लोगों के जान के संग खिलवाड़ करने पे भी उतारू हो गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ठहरे धीट मनुष्य, ये ऐसा धूर्त व्यक्ति है कि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की जिंदगी संग खेल रहा है। और बेवकूफ दिल्ली की जनता, मैं बेवकूफ इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे धूर्त इंसान को जानते सोचते समझते हुए भी एक जिंदा मछली जैसे गले में निगल ली जाती है, उस तरीके से इस आदमी को इतने सालों से दिल्ली की जनता निगल रही है। सिर्फ फ्री बिजली और पानी, वो भी गंदे पानी के लिए दिल्ली की जनता इस हद तक गिर गई है कि वो ऐसे धूर्त आदमी को अपनी जिंदगी का सौदा कर दे रही है सिर्फ कुछ रुपए के मुफ्त की बिजली के लिए। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है, एक दिन में हजारों रुपए आप उड़ा देते हैं खाने पीने में, धर्म के साथ आपने समझौता कर लिया, जान के संग भी समझौता कर लेंगे, अपनी फिक्र तो आपको है नहीं, लेकिन कम से कम अपने आने वाले कल, अपने बच्चों के लिए तो आपके अंदर फिक्र होगा, थोड़ी सी समझ होगी कि ऐसे धूर्त और पैसे के लोभी व्यक्ति को जो शीश महल में 8-8 लाख का पर्दा लगवाता है, जो इटालियन मार्बल मंगवा के अपने घर में लगवाता है, जिनकी पत्नी बिना किसी पैसे रुपए के एक आम आदमी के नाम पे बड़ा बड़ा चेक फाड़ फाड़ के मंदिर लाखों का बनवा के अपने घर में स्थापित कर लेती हैं, लेकिन वही व्यक्ति को राम मंदिर जाने में मौत आती है, ऐसे लोगों को आप लोग अपने सिर माथे पे चढ़ा के बैठे रहेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब आप लोग की जान ले लेगा उस समय भी आप लोग चुप रहेंगे? क्यों? क्योंकि आपको मुफ्त का बिजली मिल रहा है, मुफ्त का गंदा पानी मिल रहा है, गंदा पानी पी के शायद आप लोग की मति भी मार दिया है इस आदमी ने, कि आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है इस धूर्त व्यक्ति की, क्योंकि ये धूर्त व्यक्ति अभी आगे और क्या क्या कांड करके बैठा है, ये तो भविष्य के गर्द में छुपा हुआ है। अभी तो कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन हो सकता है आगे चल के और भी गंभीर मामले सामने आए, जिसकी जांच पड़ताल होने के बाद केजरीवाल को डंडे मार के सिर्फ पुलिस हवालात में बंद नहीं करेगी, बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली की जनता डंडे मारते हुए केजरीवाल को लेके जाएगी जेल में, अपने हाथ से ठेल के बंद करेगी। ऐसे धूर्त व्यक्ति का अंजाम क्या होगा, क्यों इसके ऊपर लोग खामोश है, ये भी सोचने वाली बात है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता जल्द ही अपना बुद्धि विवेक सही करके इस धूर्त व्यक्ति को अपने अंजाम तक पहुंचा दे, ताकि अब भी उनकी ज़िंदगी बच सके। भैया केजरीवाल तो केजरीवाल है, उनकी आदत है इस तरीके की हरकतें करने की, अब हम भी सुन सुन के ऊब चुके हैं, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा। खैर जो भी हो,
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।